फरीदाबाद में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में आरोपियों को अपनी जान की परवाह भी नहीं है और ना ही पुलिस का खौफ है। कोरोना वायरस महामारी के दौरान सरकार के द्वारा जारी किए गए आदेशों की अवहेलना कर बीती रात कुछ अय्याशों ने स्विमिंग पूल में पूल पार्टी की और साथ ही साथ बाहर से युवतियां भी बुलाई। इस मामले में थाना सदर पुलिस टीम ने विशेष सूत्रों से मिली सूचना के आधार पर स्विमिंग पूल संचालक के खिलाफ डिजास्टर एक्ट एवं आईपीसी की धारा 188 आईपीसी एवं 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। दरअसल मामला मलेरना बाईपास के नजदीक स्विमिंग पूल का है। बीती रात करीब 8 बजे पुलिस टीम को सूचना मिली कि कुछ युवक एवं युवतियां स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं, जो कि प्रशासन एवं सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों की अवहेलना है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए थाना प्रबंधक सदर एवं उनकी टीम ने मौके पर पहुंचकर देखा तो वहां पर कुछ युवक एवं युवतियां नहा रहे थे। पुलिस ने आरोपी स्विमिंग पूल संचालक के खिलाफ प्रशासन एवं सरकार के द्वारा कोरोना वायरस से बचाव के लिए जारी किए गए आदेशों की अवहेलना के तहत मामला दर्ज किया एवं युवक युवतियों के चालान किए। आरोपी स्विमिंग पूल संचालक की पहचान जगबीर के रूप में हुई है। आरोपी की तलाश जारी है, जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। कल एक सूचना जो है सचो सदर को मिली थी इस बारे में, जिन्होंने सूचना पाकर एक रेड साउथ रामलेना रोड पर गई थी। एक जगबीर नाम का व्यक्ति है जिसने वहाँ स्विमिंग पूल बना रखा है। वहाँ कुछ लड़के लड़कियां वहाँ स्विमिंग पूल में नहाते हुए मिले थे। सूचना के बाद जो है, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, 188 डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत सरकार द्वारा रात्रि कर्फ्यू लगाया हुआ है और रात्रि कर्फ्यू के दौरान इस तरह की गतिविधियां मिलना जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए था, जिसके बाद जो है जगबीर के खिलाफ कार्रवाई की गई और जल्द इसको गिरफ्तार किया जाए। इसमें 6-7 लड़के थे और उतनी लड़कियां थी, मुख्य जो गिरफ्तार हुए हैं उनकी अभी जांच चल रही है और नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी कार्रवाई की जाएगी। क्या उनका अभी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि वो सारे एक दूसरे के जानकारी थे, लेकिन जो स्विमिंग पूल चलाने वाला जो है उसके खिलाफ एक्शन लिया गया है, उसने जो है रात्रि कर्फ्यू की उल्लंघना की। ये अभी जांच का विषय है, इसमें अधिकारी अपने लेवल पर जांच कर रहे हैं, जैसा भी होगा आपसे शेयर किया जाए। ये पुलिस का काम है, पुलिस की जांच का काम है, पुलिस जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो भी एक्शन होगा पुलिस इसमें एक्शन लेगी। अभी जांच चल रही है, वो अपने लेवल पर जांच कर रहे हैं, सीबीडीसीपी साहब इसमें जांच कर रहे हैं, जैसा भी होगा इसमें कार्रवाई की जाएगी।